हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम हैं वृंदावन में। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम वृंदावन आ गए थे रात को। तो आज हम पूरा वृंदावन घूमेंगे, यहाँ पे सारे मंदिरों में जाएंगे, सब्सक्राइबर से मिलेंगे, मीटअप भी होने वाला है आज, बहुत लोगों से मिलने वाले हैं। पूरा दिन सुबह के 8 बज चुके हैं, रेडी हो चुके हैं नहा धो के। कल रात को ना हमको होटल मिल नहीं रहा था, ना कोई धर्मशाला मिल रहा था। हमारा प्लान था कोई धर्मशाला मिल जाए, बट मिल नहीं रहा था। फिर लास्ट में जाके हमको ये विला मिला, तो हम यहीं पर रुके हुए थे। रात को भी दिखाऊंगा, पूरा अंदर दिखाऊंगा कैसा है। दो रूम है और पूरा किचन विचन सब कुछ है। हम रात को यहीं पर रुके हुए थे, मस्त। तो अभी फिलहाल हमें पार्क में, यहाँ पे गार्डन है पूरा, देखो बड़ा सा, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। और इस वाले में हम रात को रुके हुए थे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, देखो चारों साइड बने हुए हैं। तो अंदर घुसते यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, और यहाँ पे है एक रूम जहाँ पे रात को मैं सोया हुआ था। मिरर भी है, वॉशरूम, और यह है किचन, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं है। फ्रिज भी है यहाँ पे, लेकिन फ्रिज में हमने कुछ रखा ही नहीं। और एक और रूम है यहाँ पे, यहाँ पे जिया जी साहिल पीयूष सोए हुए थे। बालकनी भी है, बालकनी से बाहर भी जा सकते हो। वैसे किसी सब्सक्राइबर को मिलना हो तो यहाँ से आ सकते। तो चलो गाइस, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सामान पैक हो चुका है हमारा सारा। लाइट्स ऑफ। गाइस, हमेशा लाइट्स ऑफ करनी चाहिए, किसी होटल चाहे अपना घर हो चाहे ना हो कहीं भी। गाइस, ये ना हमको हमारी सोसाइटी की तरह लग रहा है। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना। गाइस, सुबह सुबह इतना ट्रैफिक देखो भाई। तो गाइस, गाड़ी हमने पार्क कर दिया पार्किंग में, अब हम जाएंगे ई रिक्शा में घूमेंगे पूरा वृंदावन। बिकॉज गाड़ी में ना यहाँ बहुत भीड़ है, तो बहुत ट्रैफिक होता है। कलम फंस गए थे भाई, कलम पूरा 1 घंटा फंस गए थे, तो इसलिए हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ई रिक्शा में ही घूमेंगे मस्त। और हमने शूज भी उतार दिए, सारा सामान हमारे गाड़ी में पड़ा है। पूरे वृंदावन हम नंगे पाँव ही चलेंगे, हमने शूज यहीं पे उतार दिए। 11 साल 6 महीने कुछ दिन रहे ब्रजभूमि में, यहाँ मतलब मथुरा श्री कृष्ण जी वृंदावन में, गोकुल में। तो उन्होंने यहाँ कभी भी चप्पल नहीं डाली पैर में, कभी भी बाजू का पहनी नहीं, नंगे पैर ही चले। ब्रजभूमि में नंगे पैर चलने का बहुत ज्यादा महत्व है भाई। थोड़ी सी बची हुई गाड़ी, क्या पार्क की है मैंने। आप बताइए, आप जमुना जी साइड जाना चाहते हैं, जमुना जी साइड चले। चलो बोलो, बाकी अभी आ रही लाल की। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए मंदिर। गाइस, यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना बंदर चश्मा ले आते हैं। यहाँ पे देखते हैं बंदर ले आता है नहीं ले आता अपना चश्मा। मेरा चश्मा ले, आपका चश्मा। थैंक यू सो मच। फाइनली चश्मा बच गया भाई, ध्यान से रहना पड़ेगा, कभी भी अटैक हो सकता है मेरे चश्मे पे। गाइस, फिर से ले गया तो गाइस, फाइनली दर्शन करके आ गए हैं। बहुत भीड़ हो रही थी, लेकिन फाइनली दर्शन हो गए। मंदिर के रास्ते में पूरी इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं एक तो निधिवन और राधा रमन मंदिर, और पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है। बच गया भाई, बच गया, फिर ले जाएगा भाई। भाई चश्मा बजा के बस, राधे राधे राधे। तो अब हम जा रहे हैं निधिवन। गाइस, निधिवन तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ तो, बहुत ज्यादा। यहाँ पर ये निधिवन है, यहाँ पर ठाकुर जी ने रास रचाया था। शेर कुंजों के वृक्षों से घिरा हुआ ये वन है, यही रास हुआ था। और यहाँ वो कमरा भी विद्यमान है जहाँ ठाकुर जी नित्य रास करते हैं आज भी। तो भी गाइस, हम पहुंच गए यमुना माता के पास। तो ये यमुना माता, ये यमुना नदी है पूरी। ये यमुना जी जो है कालिंदी भी इनको कहते हैं, कालिंदी मतलब काली नदी। इनका रंग काले रहेगा। यमुना नदी काली क्यों होती है? इनका रंग काला है क्योंकि यमराज जी और शनिदेव भगवान की बहन है। अच्छा, क्योंकि वो काले हैं, ये स्वभाव से ही काली है, लेकिन हाथ में जल लोगे तो स्वच्छ दिखेगा, लेकिन रंग हमेशा काला रहेगा। हल्द्वानी उत्तराखंड के भाई लोग मिले यहाँ पे, देखो राधे राधे। गोपियों का चीर हरण किया था, वस्त्रों की गोपियाँ नग्न नहाती थी जमुना जी में। हाँ। तो भगवान ने उसको कुप्रथा को बंद करवाया और बताया कि जल में जो है वरुण देव का, उनके गणों का और देवताओं का वास होता है, इसलिए कभी भी जल में, तालाब में, नदियों में, बावड़ी में नग्न स्नान नहीं किया जाता। तो गोपियों को सब भगवान कृष्ण हमारे समाज सुधारक भी हैं। और तब से गोपियों ने फिर कसम खाई और भगवान से क्षमा मांगी, तो भगवान ने वस्त्र वापस किए उनके।
अच्छा हाँ, अरे हाँ देखा था हमने, वस्त्र वस्त्र ले गए थे। अरे ये पेड़ था वो, इसी में इन्होंने वस्त्र चुरा के बैठ गए थे इस वृक्ष में। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा था। मारा नहीं था, उसका मान मर्दन किया था। जो 100 फन वाला जो कालिया नाग था उसके फनों पर नृत्य किया भगवान ने, और उसको यहाँ से रमण द्वीप भेज दिया और जमुना जी के जल को विषमुक्त किया। थैंक यू, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू थैंक यू। और तो बढ़िया, फिर मिलते हैं कभी। ओके राधे राधे, थैंक यू सर, राधे राधे, राधे राधे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। हमने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, हमने निधिवन के दर्शन कर लिए, हमने यमुना जी के दर्शन कर लिए, और राधा रमन जी, राधा रमन के दर्शन कर लिए, काली दे के दर्शन कर लिए, चीर घाट के दर्शन कर लिए, यमुना जी के दर्शन कर लिए। तो भैया हम वृंदावन की सड़कों पर डोल रहे हैं पैदल पैदल, और काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम खाना ढूंढ रहे हैं, कुछ खाएंगे। तो भैया हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, इधर है प्रेम मंदिर, लेकिन बंद है।